अमन, वहां पर भी मीटिंग होने जा रही है, वहां पर किस तरह की हलचल है गोवा में? देखिए अमित, कल रात को, देर रात को 12 बजे टाटा ताज कन्वेंशन सेंटर में शिंदे ग्रुप के सभी विधायक पहुंच चुके हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से आज शिंदे गुट यहां बैठक कर अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। एक जानकारी ये है कि शिंदे आज गवर्नमेंट फॉर्मेशन की फॉर्मेलिटीज के लिए खुद देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए मुंबई जा सकते हैं, लेकिन तब तक बाकी सभी विधायक गोवा में बने रहेंगे। और एक बैठक आज गोवा के ताज कन्वेंशन सेंटर में भी होने जा रही है, जहां एकनाथ शिंदे शिवसेना ग्रुप अपनी आगे की रणनीति को अंतिम रूप देगा। जहां तक सरकार के प्रारूप की बात है तो दोनों घटक दलों बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप के बीच उस फॉर्मेशन को लेकर बात हो चुकी है, लेकिन अंतिम स्वरूप देने के लिए एकनाथ शिंदे आज खुद मुंबई जा सकते हैं, जबकि बाकी विधायक यहीं बैठकर वहां से मिलने वाले निर्देशों और रणनीति के हिसाब से अपना अगला मूवमेंट डिसाइड करेंगे। लेकिन अब अस्थिरता नहीं है, स्थिरता है, क्लैरिटी है। सरकार बनने जा रही है, स्वरूप क्या होगा, किस तरह से भूमिका होगी, वो सब स्पष्ट किया जाएगा। शिवसेना शिंदे ग्रुप की तरफ से कहा जा रहा है कि विधान भवन में वही शिवसेना है, तो बाकी जो 14 विधायक हैं उन्हें या तो शिवसेना शिंदे ग्रुप में शामिल होना होगा या फिर वो डिस्क्वालीफाई होंगे। इस तरह की बात भी एकनाथ शिंदे ग्रुप की तरफ से की जा रही है। तो क्या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए वो आगे कोई कदम भी उठाएंगे या अभी ये केवल बातों में चल रहा है? देखिए, अभी तक जो शिवसेना शिंदे ग्रुप के विधायकों से कल रात को हमारी बात हुई उसके हिसाब से उन्होंने किसी भी तरह से कोई खुशी का इजहार नहीं किया कि सरकार गिर गई है। उनका कहना है कि शिवसेना का परिवार टूटा है और ये दुख की बात है कि उन्हें शिवसेना के प्रमुख से अलग हटकर ये कदम उठाने पड़े। उन्होंने मान मनोबल करने की कोशिश की जो पूरी नहीं हो पाई, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमारा आखिरी अल्टीमेटम यही होगा कि फ्लोर टेस्ट पे जाएं, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। तो एक बात तय है कि सरकार के कानूनी नजरिए से विधान भवन में शिंदे ग्रुप ही असल शिवसेना है और बाकी विधायकों के पास। आज जो बैठक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, पवन आप नजर बनाए रखें क्योंकि गोवा से भी काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आने को मिलने वाला है आज के दिन। अब राजीव के पास चलते हैं, राजीव इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है। राजीव, आप एयरपोर्ट पर हैं, अच्छा कुछ लोगों का आने का सिलसिला जरूर होगा, और आपको क्या लगता है कि कौन ऐसे बड़े चेहरे हैं जो पहुंच सकते हैं मुंबई? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे को यहाँ पर मुंबई में 8:45 पर आना था सुबह, लेकिन एकनाथ शिंदे ने का पूरा जो शेड्यूल है वो चेंज हुआ है। जानकारी के मुताबिक अब सिर्फ शिंदे और उनके साथ में कुछ लोग मुंबई आ सकते हैं, लेकिन ये सेकेंड हाफ में यानी कि 2 बजे के बाद में डिसाइड होगा कि शिंदे अगर मुंबई आते हैं तो उनके साथ में और कितने लोग आएंगे, क्योंकि एक साथ सारे विधायक मुंबई आज आ रहे हैं। इस तरह की खबर को शिंदे ग्रुप ने जो है अभी तक इस खबर को सीधे तौर पर नकारा है। उनका कहना है कि अभी वो स्थितियों को देख रहे हैं और आज जो बैठक होने हो रही है 10 बजे उसमें सारी स्थितियों को क्लियर किया जाएगा। लेकिन मुंबई पुलिस की अगर बात करें तो मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए थे, क्योंकि मुंबई पुलिस को ये अंदेशा था कि अगर शिंदे अपने बागी साथी 40 विधायकों को लेकर मुंबई पहुंचेंगे तो शिवसेना के कार्यकर्ताओं के साथ कहीं ना कहीं जमीन पर क्लैश हो सकता है, और इसी वजह से 950 से ज्यादा इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, 20 DCP स्तर के अधिकारी और 45 ACP स्तर के अधिकारी, इसके अलावा 10 SRPF की कंपनियां जो हैं वो पूरे मुंबई शहर में डिप्लॉय किए गए हैं। इसके अलावा लगभग 2.5 से 3 हजार चर्चा होनी है। पहला तो ये कि सरकार कब बन रही है, मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो तय है, लेकिन मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, एकनाथ शिंदे गुट के कितने चेहरों को उसमें शामिल किया जाएगा, हम अपनी चर्चा का ये दौर आगे भी बढ़ाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।